अच्छा, मैं आपके बेटी की भी वीडियोस देखती हूँ, बिकॉज वो अच्छे वो व्लॉग्स भी बना रहे होते हैं, वो इन्फ्लुएंसर भी हैं. मैं फैजान की भी देख रही होती हूँ, उनकी भी देख रही होती हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह से. और पता चल रहा होता है कि घर में उनको कितना वो एक सुकून दे माहौल है, वो शेयर से पता चल जाता है. अल्हम्दुलिल्लाह, स्पेस देना चाहिए बच्चों को, ख़ास तौर पर बहुओं को लाजमी. और मेरी बहुएं तो मेरी बहुएं नहीं, मेरी फ्रेंड्स हैं. हम लोग आउटिंग पे भी जाते हैं, सिनेमा जाते हैं, शॉपिंग पे जाते हैं, कॉफ़ी पीने जाते हैं, कोई अच्छा मौसम होता है तो फिर लॉन्ग ड्राइव पे भी चले जाते हैं. मेरी बहुएं बहुएं नहीं हैं, मेरी दोस्त हैं. भाई हम कहीं आना जाना होता है किसी दावत में तो हम सब तीनों, क्योंकि मेरी तीन बहुएं हैं, एक बहू मेरी लंदन में है और दो यहाँ हैं, तो हम साथ ही रहते हैं माशाल्लाह. माशाल्लाह. तो कहीं जाना आना हो किसी दावत में तो हम पूछते हैं तुम क्या पहनोगी, तुम क्या पहनोगी, आप ये पहन लेंगे. तो अल्हम्दुलिल्लाह. और इसमें मैं बताऊँ मदीहा, बेटों का बड़ा किरदार है. देखिए आपका भी, माँ का भी होता है. बिल्कुल, माँ का है. आप एडमिनिस्ट्रेटर. माँ बेटों को तरबियत किसने दी है? लेकिन आपका भी है. तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि माँ के पास क्यों नहीं आए, क्यों नहीं बैठे. नहीं, मैं उनकी ज़िंदगी में कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहती. कभी मियाँ बीवी हैं, कभी कमरे से तेज़ आवाज़ें भी आती हैं. आप यकीन करें मैंने कभी पूछा नहीं खोल के कि क्या हो रहा है, या उनके बाहर निकलने के बाद नहीं पूछा कि अंदर क्या हो रहा है. कितना इम्पोर्टेंट होता है. कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उनकी ज़िंदगी में दखल दें. वो दोनों तो एक हो जाएंगे थोड़ी देर बाद, मैं कहाँ जाऊँगी. बिल्कुल हाँ. बाकी बात है, आप भी बुरे बन जाते हैं. वही ना, वो कहते हैं ये क्यों, ये क्या सुनने है. ये आप सोच रही हैं, लेकिन बहुत से घरों में नहीं, इसीलिए आप देखें कि घरों में लड़ाइयाँ और झगड़े और बेटे अलग हो जाते हैं. तो अपने बेटे का ख्याल करें, अपनी औलाद का ख्याल करें. अगर आपको औलाद प्यारा है तो उसे जो प्यारा है वो भी आपको प्यारा होना चाहिए. और आपके लिए कितना पीसफुल एनवायरनमेंट होगा कि आप इस घर में एक सुकून वाले घर. अल्हम्दुलिल्लाह इतना पीसफुल. हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं एक दूसरे की मौजूदगी को. बच्चे बिजी भी होते हैं, मैं बिजी होती हूँ. मैं अभी पिछले दिनों यहाँ थी नहीं, मुल्क में नहीं थी. मैं गई हुई थी, लंदन गई हुई थी अपने बेटे के पास. फिर वहाँ से आई तो उम्रा करने चली गई. माशाल्लाह, उम्रा बहुत मुबारक हो. मैं, फैजान की बीवी और वो छोटी और मेरे मियाँ, हम चार लोग गए थे. और हमने मदीहा इतना एंजॉय किया है, अल्हम्दुलिल्लाह. वो सादत तो हमें मिली, लेकिन फैमिली के साथ इतना मजा आया है कि मैं आपको बता नहीं सकती. मैं तो पहले भी उम्रा कर चुकी थी, इन दोनों का पहला टाइम था. और जो बॉन्डिंग आपकी उस वक्त बनती है ना, जब आप ये होते हैं, वो बॉन्डिंग आपने, लगता है कि आपने पहले जैसे कभी अपने एंजॉय ना की हो. बिल्कुल, ये एक नया ही वो है ना. और मैं बहुत फंसी नहीं हूँ कि सो क्यों रहे हैं देर से, आए क्यों देर. सबके पास चाबियाँ हैं घर की और अपने अपने कमरों की. किस वक्त आते हैं, किस वक्त सोते हैं, आई डोंट माइंड. मैं बहुत दरी नहीं करती. भाई ठीक है, हमारा भी वक्त था. हमने तो बहुत सख्त वक्त गुजारा. उस जमाने में ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन ये कि हमने उनको बहुत स्पेस. लेकिन जाएं, घूमें, फिरें, खाएं. लेकिन एक बात होती है, वक्त है ड्रामों में करेक्टर्स करते हैं नेगेटिव सासों के, नेगेटिव माओं के, वो हमारे ऊपर एक बस वो छाप लग गई है. कितना भी अच्छा रहे हम, लेकिन यही होता है कि ये बड़ी सख्त बहू होगी, अरे ये तो बड़ी खरांट सास होगी, ये हमारे ऊपर पड़ जाती है. फराजी मुझे बताएं कि आपने जब अपने बच्चों की शादियां की तो उस वक्त कि वो जो आगे से जो समझी आपके थे, तो उनको ऐसा नहीं कहीं गुमान हुआ कि भाई ये तो बड़े सख्त कैरेक्टर करती है, कि ऐसी जैसे अभी आपने बात की, जी जी, ऐसी खड़ूस सास ना हो कहीं. नहीं, इत्तफाकन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मेरी बेटी की अपनी च्वाइस थी, तो इतना ज़्यादा मुझे करना नहीं पड़ी, मेहनत नहीं करनी पड़ी. और दूसरी जो मेरी बहू है वो मेरी भाई की बेटी है, तो उसमें भी मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि उन्हें घर का पता है. तो मेरे साथ ऐसा नहीं रहा मुझे. लेकिन अक्सर, सॉरी आपकी बात काट रही, मुझे तो फैजान हमेशा कहते थे शादी से पहले, खुदा के वास्ते कोई पॉजिटिव कैरेक्टर कर ले, कोई बेटी नहीं देगा. अल्लाह के वास्ते तो लोग मिलते हुए डरते हैं अगर हम नेगेटिव कोई हमारा ड्रामा होने हो जाए. वो देखें, बाज लोग आपको मॉल में मिलते हैं, क्या कर रही हैं आप, क्या कर रहे हैं, इनके घर में तो क्या झगड़े होते रहते हैं. वैसे ये तो आप लोगों की कामयाबी है कि वो ये बात. कामयाबी
बच्चों को हजम नहीं होती, बच्चों को हजम नहीं होती, बच्चे कहते हाय कितने डिफरेंट बच्चे, आजकल डिमांडें बहुत बढ़ गई हैं। अब माओ से ये भी कहेंगे कि माँ प्लीज थोड़ा पॉजिटिव कैरेक्टर भी, खुदा के वास्ते पॉजिटिव कैरेक्टर। अच्छा जी, हमारी जो आज की तीसरी गेस्ट है जबरदस्त बेहतरीन अदाकारा, वो पॉजिटिव कैरेक्टर्स करती हैं उनमें जान डाल देती हैं, जब नेगेटिव कैरेक्टर्स करते हैं तो भाई वो भी परेशानी में मुब्तला कर देती हैं। तो आज ज़रा उनसे भी हम जानते हैं कि उनकी लाइफ में बेसिक क्या, वो कहते हैं उनके पास क्या ऐसा टोटका है, ऐसा क्या नुस्खा है कि वो अपने फैमिली को, अपने घर, अपने बच्चों को बहुत प्यारा संभाल के लेके चल रही है। हमारी नेक्स्ट गेस्ट हैं सबा फैसल साहिबा। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप बताइए। आज तो माशाल्लाह से ये तीन माएँ, तीन एक्ट्रेस ही मिल जाती, तीन परियां हैं लिटरली, इतनी प्यारी प्यारी, मैं इनको ग्रीन में भी देख रही हूँ, येलो में भी देख रही हूँ, पिंक में भी देख रही हूँ। ईद के बाद जी हम भी ईद मनाए जाके, भाई माओं को भी वैसे सेलिब्रेट करना चाहिए, खूबसा लगना चाहिए, और अल्लाह पाक आपको लंबी जिंदगी दे। तो मुझे भी इतना अच्छा लग रहा है ना, वैसे मैं आपको अक्सर देखती हूँ जब ड्रामाज में बगैर मेकअप, कभी रोई हुई शक्लें, तो आज आ रही ना तो मुझे भी अच्छा, नेचुरल शक्लें वही है। लेकिन भाई मुझे बताएं, अभी हम जैसे बात कर रहे थे कि जो कैरेक्टर्स आप लोग निभा रहे होते हैं ड्रामास में, वो सख्त कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ बड़े सॉफ्ट नहीं, नहीं तो हमारा कौन सा कोई अच्छा कैरेक्टर होता है सिवाय साजिशी कैरेक्टर होता है। तो वो असल जिंदगी में इम्पैक्ट आप देखते हैं कि जब जबकि शादी करने जा रहे हो तो लोग कहते हो भाई ड्रामे में तो ये किरदार अदा किया था, तो लो भाई ये तो बड़ी तेज, वो ड्रामे का सोचते नहीं, वो कहते ये है ही ऐसी, ये ही ऐसी, वो एक्सप्रेशन इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और हम इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं कि हमें हम उसमें डूब जाते एक्चुअली ऐसा है कि हर, मुझे लगता है हर इंसान के अंदर ढेरों कैरेक्टर होते हैं, और ये सिर्फ आर्टिस्ट के अंदर नहीं, आप घरेलू ख्वातीन को भी देखें, वो जिन लड़कियों को ड्रामों में फिल्मों में आने का शौक भी है, वो शीशे के आगे क्या क्या नहीं बनती, तो हर इंसान के अंदर बहुत कैरेक्टर होते हैं, और अच्छा आर्टिस्ट वही है जो खुद को उसमें ढाल ले। बिल्कुल, तो हम तीनों बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, लोग समझते हैं ये ऐसी सांसें होंगी, ढाल लेते लेकिन ऐसा नहीं है, हम भी सिर्फ एक सास का रिश्ता नहीं निभा रहे, हम रहे हम माओं का, बिल्कुल हम भाभियों का, हम नंदों का, खालाओं का, फुफियों का, नानियों का, नानियों का, दादियों का, माशाल्लाह हर रिश्ते निभा रहे हैं। मैं नानी हूँ माशाल्लाह, दादी हूँ माशाल्लाह, मैं बहुत जो इतना बदनाम, देखें सास से ज्यादा रिश्ता बदनाम तो फुफियों का होता है, बिल्कुल हाँ जी, जी फुफियाँ तो बस ऐसी हैं, और मेरी आप अगर भाई की बेटियों को बुला लें तो वो कहती हैं ऐसी फुफी कभी हो ही नहीं सकती, हमारे इतने प्यार मोहब्बत के रिश्ते हैं, तो हमारी जड़ों में और खून में मोहब्बत जो है ना रवा दवा है, बिल्कुल, और वो हर रिश्ते के लिए, पंजाबी में कहावत है ना कि फूफी भतीजी एक खून है, तो वो खून एक हजार एक हजार, ये भी है कि नंद गंद नंदगंज है ये, वैसे वाकई सर की बड़ी जो है हमने बातें सुनी, मैं पता नहीं क्यों ऐसे बदनाम किया होता रिश्तों को, ऐसे हैं लोग, मतलब आपको मेजॉरिटी वैसे ऐसे ही मिलेगी, वैसे हमारे ड्रामे भी रियलिटी पे होते हैं, बहुत से ऐसे ड्रामे होते हैं जो हमारी रियल लाइफ में होते हैं वही ड्रामा बनते हैं ना, तो रियल लाइफ में भी ऐसे नेगेटिव कैरेक्टर्स तो हैं घरों में हैं, हां बिल्कुल है। अच्छा मुझे वैसे ये बताएं, अगर मैं आप लोगों की जिंदगी से शुरू करूं, तो जब आप लोग, आपकी अम्मियां जब आप लोगों की तबीयत करी थी, तो उनका एम्फेसाइज आपकी शादी से पहले परवरिश पे किस चीज़ पे ज़्यादा होता था, कि किस चीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो उस टाइम पे माएँ ज़रा ये भी ख्याल कर रही होती थी कि अगले घर में जाना है। मेरे अपने भी, अगर मैं देखूँ तो अम्मी का ये होता था कि भाई बेटा अगले घर जाके ना मुझे गालियाँ ना पड़वाना। हाँ, लेकिन आजकल माएँ नहीं कहती, मैं आपको बताऊँ हमारी माएँ तो यही खाना पकाना ज़्यादा वो देती थी, प्रेफरेंस देती थी कि सलीका होना चाहिए और जरा धीमी आवाज में, धीमी आवाज, धीमी आवाज, और रिएक्ट नहीं करना अगर किसी उनकी किसी बात पर अगर हमने रिएक्ट किया ना, तो वो कहती थी आवाज आहिस्ता और खबरदार बर्दाश्त का मादा पैदा करो अपने अंदर, हम क्योंकि पहले माएँ ट्रेंड करती थी शादियां करके अगले घर जाने के लिए, आजकल मुझे ऐसा लगता है कि वो कहती हैं कि इसने तो अभी इतनी जल्दी तो इसकी शादी नहीं होनी, तो जब तक शादी होगी ना ये खुद ट्रेंड हो जाएगी दुनिया को, तो ये नहीं होता, ये आपकी फैमिली होती है और स्पेशली आपकी माँ होती है और आपके सारे वो बुज़ुर्ग होते हैं जिनको आपने ख़ानदान में देखा हो। अब मैं ये देखती हूँ कि लोगों के घरों में रुझान बहुत कम हो गया फैमिलीज़ के आने जाने का।